हेलो स्टूडेंट्स। हेलो सर। तो आज के वीडियो में जो है वो हम लोग सीखेंगे लेटर राइटिंग, ठीक है। जो आपके सेक्शन बी में जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है ना फाइनल एग्जामिनेशन का, उसके सेक्शन बी में जो है वो सेकंड क्वेश्चन होता है। फर्स्ट क्वेश्चन होता है नोटिस राइटिंग, जिसके बारे में हम लोग वीडियो बना चुके हैं, और सेकंड क्वेश्चन होता है लेटर राइटिंग, ठीक है, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये लेटर राइटिंग जो है वो नॉर्मली हमारे पास ऑप्शन आता है, जैसे नोटिस राइटिंग जब हम लोग करते हैं, है ना, तो नोटिस राइटिंग के साथ हमारे ऑप्शन में और क्या आता है, एडवर्टीजमेंट हो गया, है ना, या पोस्टर मेकिंग हो गया। तो उसी प्रकार से लेटर राइटिंग में दो टाइप का लेटर मुख्य रूप से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। एक बोलते हैं उसको इनफॉर्मल लेटर, ठीक। इनफॉर्मल लेटर का मतलब क्या हुआ, अनौपचारिक पत्र, ठीक। अनौपचारिक पत्र हम किसको बोलेंगे, जो पत्र हम किसको लिखते हैं, अपने मित्र को, किसी रिश्तेदार को, ठीक, या अपने मदर को या फादर को या बहन को, ऐसे जो पत्र लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल लेटर, ठीक। और वो ज़्यादातर जो है वो इनफॉर्मल लेटर का जो फाइनल एग्जाम में जो आता है उसका टॉपिक क्या होता है इनफॉर्मल लेटर का, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, या किसी चीज का रिस्पांस भी हो सकता है। जैसे आपने अपने किसी मित्र को जो है वो बताया या उसको इनवाइट किया, ठीक है, कि आप जो है वो मेरे घर का इनॉग्रेशन मैं कर रहा हूँ, तो वो जो है आप मेरे घर कृपया आने का कष्ट करें, है ना। तो हम लोग उसके रिस्पांस में जो लेटर लिखेंगे कि फॉर न्यू होम कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू होम, और उसके बाद फिर हम अपनी सहमति देंगे कि ओके आई विल कम इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ योर न्यू कंस्ट्रक्टेड हाउस। तो ये इतने टाइप के जो लेटर होते हैं या इस प्रकार के जो लेटर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल लेटर। और जो जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ नॉर्मली वही टॉपिक एग्जाम में आता है, चाहे आपके 11th क्लास में हो या फिर 12th क्लास में, क्योंकि 11th क्लास 12th क्लास दोनों में ही सेक्शन बी जो है वो वहाँ तक बिल्कुल सेम क्वेश्चंस आते हैं। सेम क्वेश्चंस मतलब टॉपिक सेम रहते हैं, ठीक है। और दूसरे टाइप का जो लेटर होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर एक टाइप से एप्लीकेशन के जैसा होता है, जो आप किसी अधिकारी को भेजते हैं। जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं, किसको एप्लीकेशन लिखते हैं, आपको छुट्टी चाहिए तो किसको एप्लीकेशन लिखोगे, प्रिंसिपल को। फीस माफी चाहिए तो किसको एप्लीकेशन लिखोगे, प्रिंसिपल, है ना। तो ये उसी टाइप का जो हम लेटर भी लिखते हैं, जैसे मान लो हमारे जिस स्ट्रीट में या जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ वहाँ पर जो सैनिटरी कंडीशन है, मतलब नालियों की जो स्थिति है या स्ट्रीट लाइट्स है, वो ठीक से नहीं चल रहा है, तो उसके बारे में मैं अपने शहर के नगर निगम को मैं कोई पत्र लिखूँगा, या उसकी सूचना जो है मैं किसी न्यूज़पेपर में, कई बार हम अपनी समस्याओं को टू द एडिटर को लिखते हैं ना, न्यूज़पेपर में छपवाना चाहते हैं कि भाई हमारे तरफ सड़क एकदम ख़राब है, या हमारे तरफ जो है, या मेरे स्ट्रीट में लाइट्स ठीक से नहीं जल रहा है, नालियों की सफाई नहीं हो रही है, तो इसको आप अपने पेपर में छपवाइए, ठीक है। तो इस टाइप के जो लेटर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं फॉर्मल लेटर। तो इसमें भी नॉर्मली जो है वो तीन टॉपिक आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो क्या क्या है, एक तो बैड लाइट एंड सैनिटरी कंडीशन या मॉस्किटो मैनेज, कि हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए हैं, ये लेटर जो है वो सामान्यतः नगर निगम वगैरह को भेजे जाते हैं या एडिटर को भेजे जाते हैं, ठीक है।
फिर हम पुलिस को कंप्लेन करना चाहते हैं बैड लॉ एंड ऑर्डर कि हमारे शहर में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, तो उसके बारे में भी जो हम लेटर लिखते हैं वो भी किस में आ जाएगा, फॉर्मल लेटर में। या एक और टॉपिक होता है फॉर रेकलेस ड्राइविंग कि कई लोग जो है बहुत तेज गति से गाड़ियाँ चलाते हैं तो उसको कहा जाता है रेकलेस ड्राइविंग, तो वो भी किस में आ जाएगा, फॉर्मल लेटर में आएगा। तो ये दो टाइप का तो पहले लेटर हुआ। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लेटर का फॉर्मेट किस टाइप से रहता है। फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको मैं नोटिस का बता चुका हूँ पहले ही कि नोटिस को हमेशा एक बॉक्स में लिखना है, सबसे पहले ऊपर में स्कूल का नाम लिखना है, फिर डेट लिखना है, फिर नोटिस लिखना है, फिर उसका टॉपिक लिखना है, फिर उसका बॉडी को लिखना है, फिर लास्ट में आपका अपना डेजिग्नेशन लिखना है। तो उसी प्रकार से जो है वो इसमें भी होता है लेटर राइटिंग में। तो यहाँ पर जो है मैं इस वीडियो में जो है वो उसमें डाल दूंगा कि उसका पैटर्न एग्जैक्टली कैसा होता है या उसका फॉर्मेट एग्जैक्टली कैसा होता है। लेकिन आपको मैं शॉर्टकट में यहाँ पर बता भी रहा हूँ कि सबसे ऊपर में जो है वो सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस के बाद फिर क्या होता है, डेट लिखा जाता है, ठीक। डेट के बाद फिर नॉर्मली होता है सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन या सब्जेक्ट लिखा जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद होता है सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे रेस्पेक्टेड सर, आप भी प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं तो लिखते हैं ना रेस्पेक्टेड सर, उसको बोला जाता है सैल्यूटेशन, ठीक है। उसके बाद फिर आता है मेन कंटेंट या मेन बॉडी, मतलब आप लेटर में क्या लिखे, उस सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या लिखे, तो उसको हम बोलते हैं कंटेंट या बॉडी, ठीक। और उसके बाद लास्ट में कुछ रिमार्क्स देते हैं, थैंकिंग, थैंक्स फॉर इट या थैंकिंग यू ऐसे करके, और लास्ट में जो है वो अपना सिग्नेचर ही बोलते हैं या डेजिग्नेशन बोलते हैं। लास्ट में हम क्या करते हैं, उस लेटर में अपना नाम, या आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप वहाँ पर क्या लिखेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो रोल नंबर, अपना नाम नहीं लिखना है, या कई बार जो है वो वहाँ पर दिया रहता है, ठीक है। तो ये उसका कहलाता है फॉर्मेट, ठीक। और चाहे इनफॉर्मल लेटर हो चाहे फॉर्मल लेटर, दोनों का ही फॉर्मेट जो है वो सेम होता है, ठीक है। लेकिन लेटर राइटिंग को याद करके समझने वाली चीज नहीं है, सबसे पहला चीज तो मैं बता दूं आपको, जब तक इसका प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे तब तक लेटर राइटिंग हम नहीं कर पाएंगे, रट करके आप लेटर राइटिंग नहीं कर सकते, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, वी विल मीट इन next video, or thank you for watching my video and please subscribe to my channel, that is Chandra Study Room, and also my app, that is what, Chandra Study Room or CSR, okay. So thanks for watching, we'll meet soon in the next video, bye.